एक रिपोर्ट लिखानी है। पेन तो नहीं होगा आपके पास? हाँ? पेन? किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? अपने भाई के मर्डर की। आप रिपोर्ट लिखेंगे या मैं 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे के बाद आऊं? ए, क्या बकवास कर रहा तू? क्या रिपोर्ट लिखानी है तुझे? जब तेरे भाई का खून हुआ ही नहीं तो सजा किसे दिलाएगा तू? अब 2 मिनट के अंदर ही यहां से दफा हो जा, वरना कोई ऐसा केस बना के अंदर कर दूंगा कि सारी जिंदगी भर तू। रुक क्यों गए? जो कुछ कहना इन सबके सामने कहिए, इन्हें भी पता चले कि इंसाफ मांगने वालों की जुबान आप किस तरह बंद करते हैं। एसीपी यशवंत ठाकुर, मैं यहां एक आम नागरिक की हैसियत से अपने छोटे भाई के कत्ल की रिपोर्ट लिखाने आया हूं। क्या पुलिस मेरी रिपोर्ट लिखेगी? यादव, रिपोर्ट लिखो इसकी। मरने वाले का नाम? अनुज श्रीवास्तव। कंप्लेंट किसके खिलाफ है? आपके। क्या हुआ, नाम भूल गए अपना? मैं याद दिलाता हूं, सुनील यादव, यशवंत ठाकुर। दीपक सावंत, इन तीनों ने मिलकर मारा मेरे भाई को। मुझे उम्मीद है कि पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाएगी। सर, आप कुछ तो बताइए। सर, मिस्टर श्रीवास्तव की बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए। नो कमेंट्स। हमारे राज्य के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि आपके 3 ऑफिसर्स आजकल मीडिया के केंद्र बने हुए हैं। उनके कारनामों को यहां विपक्षी दल वाले उछाल रहे हैं। आप लोग गलतियां करते हैं और सर हमें झुकाना पड़ता है। हर जगह से लेटर्स आ रहे हैं। मुझे जल्द ही अनुज श्रीवास्तव के केस का पूरा स्पष्टीकरण चाहिए। विनायक साठे, गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य। क्या है ये सब? क्या जवाब दूं मैं गृहमंत्री साहब को? 30 साल की नौकरी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। कोई बेगुनाह मेरे हाथों मारा न जाए, इसलिए कितने गुनेगारों पर गोलियां नहीं चलाई है मैंने। और आज मेरे ही पुलिस डिपार्टमेंट पे ये दाग लग रहा है। ये सब उस लड़के की वजह से हो रहा है सर। मीडिया के अटेंशन लेने के लिए वैसे हरकतें कर रहा है सर। मुझे उस लड़के से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने ऑफिसर से जानना चाहता हूं कि सच क्या है। आप तो मेरे रिकॉर्ड जानते ही हैं सर। 1 मिनट ठाकुर। यादव, तुम बताओ ये सच है या झूठ? देखो यादव, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। झूठे सर, एकदम झूठे। इल्जाम लगा रहा है सर लड़का हम पर। एसीपी साहब को बदनाम करना चाहता है। झूठे सर, एकदम झूठ है। ठीक है, सच और झूठ का तो पता चल ही जाएगा मुझे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अदालत में तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत पेश हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। पहली बार किसी ने मुझे इतना जलील किया। जी तो कर रहा कि कमिश्नर की बोलती बंद कर दो। बोलती अगर बंद करनी है तो उस लौंडे की करिए सर। वो अगर अदालत में पहुंच गया ना तो कमिश्नर हमारी टोपी और वर्दी उतारकर हमें घर भेज देगा। सावन ठीक बोल रहे हैं सर, एक्सीडेंट करा देते हैं साले का, आग लगा देते हैं साले के घर में। सर मैं तो कहता हूं साले कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत चालाक है वो लड़का, पूरे मीडिया को साथ में लेके घूम रहा है। बात होम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है। अब तो अगर सचमुच उसका एक्सीडेंट हो गया तो बात हम तक आ जाएगी। तो फिर क्या करें हम?
हाथ पर हाथ धरे उसे अदालत जाते देखते रहे, चुपचाप फांसी पर चढ़ जाए। वो अदालत नहीं जाएगा। वो कैसे सर? पुलिस का डर पुलिस की मार से ज्यादा होता है। हमारे पुलिस स्टेशन में आकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगा तू? हमें कोर्ट ले जाएगा? सावंत, एक जैसा खून है ना तुम दोनों भाइयों का, वो भी इसी तरह तुम्हारी तरह हमारी बात ना मानकर जिद कर रहा था। क्या हुआ? मारा गया कुत्ते की तरह? अब भी तेरा दिमाग अगर ठिकाने पे नहीं आया तो तुझे भी उसी की तरह ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे उसकी लाश को आग देने वाला बड़ा भाई तो था, तेरी तो लाश को लियो। मैं अब तक जी रहा था अपने भाई के लिए और अब जी रहा हूं उसकी मौत का बदला लेने के लिए। कान खोल के सुन ले यशवंत, जब तक मैं तुम लोगों को अदालत में फांसी की सजा न दिलवा दूं, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।